स्वागत है SPN9 न्यूज में। मैं हूं मेघा सिंह। बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी वजह से सारी पार्टियां जो है अब सक्रिय हो चुके हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। वहीं बीजेपी की सरकार जो है वो किसे इस चुनाव में चेहरा बनाकर उतारेंगी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अब इस पर भी सस्पेंस खत्म हो गया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष JP नड्डा ने अब ऐलान कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो जयराम ठाकुर का होगा। जी हां, यहां पर जयराम ठाकुर को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाएगा और अब हिमाचल प्रदेश में उनके तले ही जो है उन्हें मुख्य चेहरा बनाकर अब बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है और अभी जो जनता है वो बीजेपी के कार्यकाल से खुश नहीं है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में महंगाई जो है वो काफी बढ़ चुकी है और अब देखने को मिल रहा है कि जनता वहां बीजेपी से महंगाई को लेकर नाराज चल रही है, जिस पर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठा रही है और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो हिमाचल में 68 सीटों पर वो जो है चुनाव लड़ेंगी और हिमाचल प्रदेश में पंजाब के बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ अब रुख कर रही है और देखना दिलचस्प होगा कि अब हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का किस तरह से प्रदर्शन होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 5 राज्यों में हार मिली है और अब उनकी नजर जो है वो हिमाचल प्रदेश पर है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर लगातार जो है सभी पार्टियां रैली कर रही है और अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जो है आने वाले इलेक्शन में क्या दोबारा से हिमाचल प्रदेश पर अपना कब्जा जमा पाती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।